यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो युवा हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है इन्हें इस बार किसकी सरकार आने वाली है। क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार। रोहित जी, ये बताइए इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? इस बार समाजवादी की सरकार आने वाली है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। योगी की सरकार क्या लगता नहीं आएगी इस बार नहीं आएगी। अच्छा, योगी सरकार के काम काज आपको कैसे लगते हैं? योगी सरकार ने कोई तो काम नहीं किए हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस वो ही किया है, बस बोलते रहे कि काम होगा, काम तो कुछ हुआ नहीं। योगी सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। नहीं, सो तो कुछ नहीं लगा। क्या नाम है, गैस सिलेंडर वगैरह, राशन वगैरह कोरोना काल में सबको पूरी सुविधाएं? राशन तो मिला है, पर वही बात है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया गैस सिलेंडर, और राशन मिला है वो तो ठीक है, पर ज़्यादा कुछ काम तो हुआ नहीं है। अच्छा, तो नौकरी आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी BCOM सेकेंड ईयर है। अच्छा, रोज़गार को लेकर क्या लगता है आपको? रोज़गार तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, नौकरी लोगों को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। अच्छा, तो क्या चाहिए, मतलब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या लगता है आपको? सरकार को सोचना चाहिए, मतलब अब ये पोस्ट निकाल रहे हैं भर्ती, पुलिस की भर्ती निकाल रहे हैं, तो उसमें आधी से ज़्यादा तो फेल ही कर दिए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। अखिलेश की सरकार क्यों अच्छी लगती है आपको? उन्होंने काम बढ़िया करवाया है। जैसे बहुत सारा, क्या बताएं आपको, जैसे एक्सप्रेस वे बनवाया है, हर चीज़ सुविधा दी है, और अब खुश हैं हम सब लोग अखिलेश यादव की सरकार से। अच्छी और भी बड़ी बात है कि बढ़िया चीज़ करवाई हैं। अच्छा, कांग्रेस की या BSP की, इनकी है, मतलब क्या लगता है सरकार कभी बन सकती है? नहीं, इनकी नहीं बन पाएगी। अच्छा, इनकी नहीं बन पाएगी। कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? एकता बरनवाल। मैम, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है यूपी में? इस बार देखिए, अब वोट जिस तरह से तो BJP आनी चाहिए, BJP की ही आनी चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा उसकी कंडीशन डाउन लग रही है, तो आई थिंक सपा भी आ सकती है, BJP भी आ सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा मैम, योगी सरकार का जो काम काज हुआ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी चीज़ बनने में बहुत टाइम लगता है और बिगड़ने में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ बिगड़ जाती है, तो यूपी को बनने में, यूपी हो या फिर केंद्र लेवल हो, जो भी हो, सेंट्रल लेवल, बनने में बहुत टाइम लगता है, तो जितना भी डेवलप हुआ है, जितना भी प्रोग्रेस हुआ है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बहुत अच्छा चेंज तो आए हैं, पर देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अच्छा, एक चीज़ है, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है अक्सर कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या लगता है कि अब महिलाएँ ज़्यादा सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित, वो तो हम पब्लिक पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो महिलाओं की जो अवेयरनेस है, जो लेडीज़ की जो अवेयरनेस है, वो हम लोगों पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अदर पार्टीज की अपेक्षा BJP में ज़्यादा सुरक्षित है। प्रशासन व्यवस्था आपको कैसी लगती है योगी सरकार की? प्रशासन व्यवस्था मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि बात करें, अगर मैं, हम लोग नौकरी की बात करें, तो जब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी दूसरी पार्टी की, लेकिन जो दूसरी पार्टी आती है तो वो नौकरी तो प्रोवाइड कराएगी, बट उसमें धांधली बहुत होती है, भ्रष्टाचार बहुत होता है, और मेरिट सिस्टम कर दिया, हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत होता है, लेकिन जो BJP की पार्टी है, ये नौकरी अगर निकाल रही तो इसमें कोई भी मेरिट सिस्टम नहीं है, ये अपनी योग्यता पर निर्भर करता है, ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है मैम, इस बार जैसे केजरीवाल सरकार जो है वो दिल्ली मॉडल अपना पेश करने की बात कर रही है यूपी में, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो क्या लगता है कि लोगों को मतलब वोट देना चाहिए इस चीज़ को लेकर या नहीं? अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो वोट देना चाहिए, ठीक है, अगर मुफ्त में सारी चीज़ें कराते हैं, अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती, लागू नहीं होती, तो फिर यहाँ पे यूपी में यूनिवर्सिटी को लेकर और मेडिकल कॉलेज वगैरह को लेकर कैसी स्थिति है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार में सबसे बढ़िया काम हुए हैं? तो अभी तो वो 5 साल ही हुए हैं ना, 5 साल ही तो हुए हैं योगी सरकार को, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं, बिल्कुल ऑफकोर्स डेवलप करेंगी आगे, धीरे धीरे मेडिकल फील्ड हो या फिर जॉब की फील्ड में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, सारी चीज़ें हर जगह डेवलप करेंगी। यानी कि क्या नाम है, योगी सरकार में विकास हुआ है? जी, हुआ है, विकास काफ़ी हुआ है, देखने को मिला है ये सब चीज़ें, अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।